नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माय पाठशाला में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं, तो प्लीज आलस मत करिए, फटाफट से करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं और आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है उनके बारे में बात करते हैं। आज तारीख है 19 दिसंबर और आज की हमारी जो पहली जानकारी आ रही है दोस्तों, वो जानकारी है एक फिल्म अभिनेता, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा और ये काफी फेमस मराठी एक्टर है। ये डॉक्टर भी रहे, आंख नाक कान के, और काफी बड़े सर्जन भी रहे, लेकिन 42 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की और काफी समय तक फिल्म इंडस्ट्री यानी कि आपके जो बॉलीवुड है उसमें कई सारी मूवीज में काम किया और अच्छा नाम कमाया। इनका नाम है श्री राम लागू। प्रसिद्ध अभिनेता श्री राम लागू जी का हाल ही में पुणे में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 19 दिसंबर 2019 को किया जाएगा। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्हें मराठी थिएटर में तो 20वीं सदी के सबसे अच्छे कलाकारों में गिना जाता है। श्रीराम लागू मराठी थिएटर के सबसे अच्छे कलाकार थे। वे पेशे से डॉक्टर भी थे। वे प्रगतिशील और तर्कसंगत सामाजिक कारणों को आगे बढ़ाने में भी बहुत मुखर और सक्रिय रहे हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता जीपी प्रधान के साथ भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे के समर्थन में उपवास किया था। श्रीराम लागू का जन्म 16 नवंबर 1927 को सतारा में हुआ था और वह हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। श्री लागू ने अपने कैरियर में लगभग 100 से अधिक ज्यादा हिंदी फिल्में की हैं और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने आहट, एक अजीब कहानी, पिंजरा, मेरे साथ चल, सामना, दौलत जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है और मैंने भी इनको कई फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा है और आज भी आप इन्हें कई फिल्मों में चलचित्र के माध्यम से अभिनय करते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल श्री राम लागू, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो किस विधा से जुड़े हुए थे, वो आपके अभिनय की दुनिया से जुड़े हुए थे और डॉक्टर भी थे, नाक कान गले के डॉक्टर थे वो, ENT थे। अगली जानकारी है बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। भारत चाहे जितनी भी वकालत कर ले, लेकिन आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने में काफी पीछे है। ये बात अभी जाहिर हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के जरिए, जहां पर भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार गिरते गिरते पिछले साल के मुकाबले 4 स्थान लुढ़क गई है और 112वें नंबर पर पहुंच गया है भारत। जी हां, 2018 में भारत की रैंकिंग 108 थी, जबकि 2019 में इसकी रैंकिंग 112 आई है। भारत लिंग असमानता के मामले में साल 2018 के मुकाबले 4 रैंक पिछड़ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की। आइसलैंड लैंगिक समानता के मामले में, असमानता के मामले में विश्व में सबसे बेहतर देश बना हुआ है और कई सालों से लगातार ये टॉप पर आ रहा है। तो सबसे मतलब जहां पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर एकदम अधिकार मिलते हैं वो है आइसलैंड। इस देश में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्व भर में लिंग भेद कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यालय तथा राजनीति में भेदभाव मौजूद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार चीन 106वें स्थान पर है, श्रीलंका 102वें स्थान पर है, नेपाल 101वें स्थान पर है, ब्राजील 92वें नंबर पर है, इंडोनेशिया 85वें नंबर पर है, बांग्लादेश 50वें नंबर पर है, वहीं यमन 153वें स्थान पर तथा इराक 152वें स्थान पर है और पाकिस्तान 151वें नंबर पर है। WEF ने साल 2006 में जेंडर गैप शुरू किया था और उस टाइम में भारत का जो स्थान 98 था और लगातार उसके बाद ये पिछड़ता चला जा रहा है। अगर हम बाकी इंडेक्स की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने आपको एक इंडेक्स और बताया था, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान 130 है, जबकि पिछले साल इसका स्थान 129 था। इसके अलावा कुछ समय पहले सितंबर में जारी हुआ था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब यह होता है कि जो दोनों में अंतर यह है कि HDI जो होता है वो ये बताता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारे यहाँ के जो पुरुष और ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से विकास कर रहा है, उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, उनकी आय के साधन क्या है, उनकी शिक्षा स्तर क्या है, इन सब के बारे में सूचकांक है। जबकि हम HCI की बात करें और इसको जारी करने वाले थे महबूब उलक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है थे सॉरी HCI यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में यह बताया जाता है कि जितने बच्चे यहां पर जन्म लेते हैं उनमें से 18 साल की उम्र तक कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन है वो कितना परिपक्व अवस्था में पहुंच पाता है, इसको नापने के लिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है। लेट्स सपोज कोई बच्चा यहां पर जन्म लेता है और 18 साल की उम्र में वो कितना काबिल हो पाता है, इसको नापने का जो इंडेक्स है वो HCI है और इसमें जो भारत का स्थान है वो 100
115वां है। कौन सा स्थान है? 115वां, 1115। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी HGI होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को HGI बोला जाता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 102वें नंबर पर है, जबकि सबसे खराब स्थिति में है हैती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पहले जो जारी हुआ था वो था हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जिसे HSI कहा जाता है, और HSI में भारत को जो स्थान मिला था वो 57वां मिला था, जबकि इसमें US ने टॉप किया था। तो यहां पे 5 इंडेक्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई है आपकी। और अगर आप शाम को 8 बजे वाला सेशन देख रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, उसमें भी इंडेक्स के बारे में जितने भी इंडेक्स हैं मैं सारे के सारे आपको वहां पे बताऊंगा। तो फिलहाल शाम के 8 बजे वाली क्लास करना मत भूलिएगा, वो काफी इंटरेस्टिंग सेशन हुआ, कल वाला भी काफी इंटरेस्टिंग हुआ और आज वाला भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो HDI 130, SCI 115, HGI 102 और HSI 57, आप ऐसे याद कर सकते हैं, DCGS ऐसे भी इसको क्रम में रखकर याद कर सकते हैं, बाकी HI बाकी में कॉमन है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अगली बारी है, अगली जो न्यूज है हमारी वो है भारत और नेपाल के बीच में अभी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई जो कि नेपाल में आयोजित की गई, उसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित की जाती है। तो भारत और नेपाल सेना के बीच में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण का आयोजन नेपाल के रूपदेही जिले में किया गया। यह दोनों देशों के मध्य होने वाला सूर्य किरण का 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 300-300 सैन्य कर्मियों की एक एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास जंगल और पहाड़ी इलाकों में विद्रोह कार्रवाइयों से निपटने पर आधारित था। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियान, विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान की किरण सैन्य शक्ति, संयुक्त युद्धाभ्यास आतंकवाद से बदलते तरीकों के खिलाफ सुरक्षा की चुनौती सामना करने के लिए किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सूर्य किरण किनके बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में। इस बार कहां हुआ है, ये नेपाल के रूपदेही में हुआ है। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। इतना सिंपल सी जानकारी याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगली जानकारी है भारत सरकार नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार का एकदम अच्छे तरीके से मानना है, पुरजोर तरीके से मानना है, और भारत सरकार के साथ साथ मेरा भी मानना है कि कंप्यूटर या नेट ने आज के जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। जो सुविधाएं आप पहले नहीं पा पाते थे, खासकर जैसे कि आप ये करंट अफेयर देख रहे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो शायद मैं आपके इतना करीब नहीं होता कि आपके हाथों में मैं मौजूद हूं। तो फिलहाल राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन नाम का एक मिशन की शुरुआत हो रही है, जिसके जरिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैलाया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक आप समझ लीजिए परिनलिका होती है, जिसके अंदर एक पारदर्शी पदार्थ की कोटिंग होती है, और इसमें लेजर बीम की सहायता से क्रांतिक कोण का उपयोग करते हुए, यानी कि क्रिटिकल एंगल का उपयोग करते हुए। अब पूछोगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल कोई भी रे है, लाइट रे, अगर वो किसी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होती है, उसका डाइवर्जन होता है। लेकिन ये डाइवर्जन अगर इतना अधिक हो जाए कि रे जाए, इंसिडेंट करे, यानी कि आपतित हो और पूरी की पूरी परावर्तित हो जाए, तो जिस पर ये पूरी की पूरी परावर्तित या उसके साथ होकर चली जाती है उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, जिस एंगल पर ये आपतित होती है। जैसे मान लीजिए ये है आपका प्लेन, इस प्लेन पर ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल गिरा आके ये आपतित एंगल इंसिडेंट, ये अगर एंगल ऐसा हो जाए कि सारी की सारी रे सीधे के सीधे ऐसे निकल जाए, यानी कि कुछ भी यहां पे अपवर्तन में ना जाए, कुछ भी आपका डिस्पर्ज ना हो, सीधा का सीधा वो पूरी तरह से ऐसे निकल जाए, ऐसे में आपका जो एंगल बनता है इस एंगल को कहा जाता है क्रांतिक कोण। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, रेयर टू डेंस मीडियम यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए तभी क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर आपका क्रांतिक कोण के सिद्धांत पर काम करता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इसकी और ज्यादा जानकारी है, लेकिन अगर मैं बाहर तो और ज्यादा निकल जाएगा, अपवर्तनांक वगैरह पे चला जाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे चला जाऊंगा। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये लाइट रे के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखें तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम होती है, जबकि प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि अगर आप प्रकाश की गति से डेटा पहुंचाएंगे तो आपका इंटरनेट ज्यादा तेज चलेगा, इसीलिए पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है। तो फिलहाल इस मिशन की शुरुआत की है केंद्रीय संचार मंत्री, अब जाहिर सी बात है ये जो मिशन है ये केंद्रीय संचार मंत्रालय का होगा, वर्तमान में इसके जो मिनिस्टर है वो रविशंकर प्रसाद है, और इसके तहत मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का भी लक्ष्य किया जाएगा। इस मिशन के तहत देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग बिछाया जाएगा। साथ ही 2024 तक इसमें टावरों की संख्या मौजूदा 5.65 लाख से बढ़कर 10 लाख तक हो जाएगी। टावरों का घनत्व 0.42 से बढ़कर 1 टावर पर 1000 आबादी कर दिया जाएगा और इस मिशन के तहत टावरों का जो फाइबरजेशन है वो बढ़कर 70% तक हो जाएगा, जो अभी तक केवल 30% है। इस मिशन के तहत आगामी वर्षों में $100 अरब के निवेश होंगे और इसको निवेश के लिए धन जुटाया जाएगा। तो फिलहाल भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन दूरदराज के इलाकों में नेट को पहुंचाने के लिए। अगली जानकारी है तानसेन समारोह या तानसेन फेस्टिवल भी आप इसे कह सकते हैं। तानसेन फेस्टिवल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसको आयोजित किया जा रहा है और इस उत्सव में इसकी जो शुरुआत है वो हरी कगा और मिलाद के साथ हुई। ये दो राग हैं जो तानसेन गाया करते थे। यह उत्सव हर वर्ष भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में से एक मियां तानसेन की याद में मनाया जाता है। प्रसिद्ध गायक पंडित विद्याधर व्यास को मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मध्य प्रदेश सरकार है वो पुरस्कार देती है राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 और इस बार यह मिला है पंडित विद्याधर व्यास को, ठीक है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की जानी मानी हस्तियों को दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार में 2,00,000 रुपए नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तानसेन समारोह देश के सबसे पुराने और सम्मानित शास्त्रीय संगीत समारोह में से एक है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकेडमी द्वारा किया जाता है। इस समारोह में देश भर के जाने माने संगीतकारों गायक हिस्सा लेते हैं। इस बार तानसेन समारोह में विभिन्न सत्रों के अलग अलग देश के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो तानसेन समारोह कहां हो रहा है? यह हो रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पंडित विद्याधर दास को राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 प्रदान किया है। ये कौन सी सरकार प्रदान करती है? मध्य प्रदेश सरकार का ये पुरस्कार है। अगली जानकारी है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अप्रवासी दिवस या प्रवासी दिवस, कोई फर्क नहीं है। अप्रवासी और प्रवासी दिवस हिंदी में एक ही है, लेकिन इंग्लिश में इंटरनेशनल माइग्रेंट डे बोला जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहां पर एक घटना घटी थी 9 जनवरी सन 1915 को। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था जिसकी वजह से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन की याद में मनाया जाता है। 9 जनवरी सन 1915 को एक घटना घटी थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के अकॉर्डिंग। आपको बताना है वो दिन क्या हुआ था और ये लिखना है आज के कमेंट सेक्शन पे। कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताना है कि भारतीय प्रवासी दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है वो किस डे या किस घटना की याद में मनाया जाता है। आगे की जानकारी, दुनिया भर में प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकार और सुरक्षा के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में विश्व में प्रवासियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हर साल प्रवासियों संगठनों और इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को इस मौके पर आमंत्रित करता है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र उन्हें सम्मानित और सहयोग और भविष्य में सभी के लिए आने वाले विश्वास को बनाए रखने के लिए जो इस बार की थीम है वो है #WeTogether। #WeTogether इस साल की जो थीम है और उसके लिए ये अभियान भी है। तो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को और प्रवासी दिवस 9 को डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा, जनवरी का लास्ट ले जाएंगे तो दिसंबर हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं दोनों प्रवासी दिवस को। अगली जानकारी है सुरुली वाटरफॉल। सुरुली वाटरफॉल अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि वहां काफी सारे सैलानियों का सैलाब उमड़ा है और ऐसे में जब भी कोई वाटरफॉल या कोई पर्वत या कोई नेशनल पार्क चर्चा में आता है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सुरुली वाटरफॉल के बारे में अभी हाल ही में 6 दिसंबर को न्यूज आई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि भारतीय जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसने ये जानकारी दी कि सुरुली वाटरफॉल्स में लगातार पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सुरुली वाटरफॉल सुरुली नदी पर बना हुआ है और ये कैस्केडेड वाटरफॉल है। दो तरह के वाटरफॉल होते हैं, एक डायरेक्ट वाटरफॉल होता है मतलब कि पानी ऊपर से गिरा और सीधे नीचे चला गया। एक कैस्केडेड वाटरफॉल होता है मतलब थोड़ा सा गिरा फिर थोड़ा गिरा फिर थोड़ा गिरा फिर मतलब जीने जैसा आपको नजर आएगा, सीढ़ियों जैसा नजर आएगा। इसीलिए सुरुली वाटरफॉल जो है ये कैस्केडेड वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन इससे जो आवाज निकलती है वो काफी ज्यादा सुरीली होने के कारण इसका नाम सुरुली रख दिया गया है। सुरुली जलप्रपात तमिलनाडु में है। आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि यह जलप्रपात कहां पर है।
या 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका वर्णन तमिल महाकाव्य आपको सिलापत थिकरम में भी मिलेगा। यह एक तमिलनाडु का महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है, काफी इसको इज्जत के साथ देखा जाता है, काफी इसको सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। तो इसका नाम है सिलाप थिकरम। तमिलनाडु के थेनी जिले में सुरली झरने पर्यटकों की भारी भीड़ को आकर्षित करते हुए पानी का प्रचुर प्रवाह प्राप्त कर रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून ने राज्य के पश्चिमी घाटों और केरल से तटों पर ज्यादातर इलाकों में पानी अपनी पानी की ताकत तो दिखाना फिर से शुरू कर दिया है। इसमें थेनी के कंबम घाटी में सभी धाराओं नहरों में पानी की भारी मात्रा में प्रवाहित किया है आ गया है। इसी घाटी में सुरीलो झरने के पिकनिक स्पॉट में भी पानी की अच्छी मात्रा मिल रही है, जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। भारत के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहका लिकाई, जो कि मेघालय में है। कुछ लोग कहते हैं सर कुंचीकुल है। देखिए कुंचीकुल और नोहका लिकाई के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले कुंचीकुल को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, लेकिन अब नोहका लिकाई को माना जाता है जब से इसकी हाइट देखी गई। दूसरा यह है कि कुंचीकुल जो जलप्रपात है वो कैस्केडेड है, इसलिए उसको सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं माना जा सकता। अगर आप उसकी ऊंचाई देखेंगे तो 450 से ज्यादा है, लेकिन आप नोहक लिकाई की देखेंगे तो 390 के आसपास है। तो अगर हाइट देखोगे तो कुंचीकुल है, लेकिन कुंचीकुल डायरेक्ट नहीं है, जबकि नोहक लिकाई एकदम डायरेक्ट गिरा है, स्टीक है एकदम। इस वजह से उसको सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का माना जाता है। भारत का अगर आप सबसे चौड़ा जलप्रपात देखें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जिसमें पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है, तो भारत में दो जलप्रपात काफी फेमस हैं, एक जोग और एक शिव समुद्रम, जिसमें लोगों को अक्सर परेशानी होती है कि भाई कौन सा है। तो देखिए अगर आप चौड़े की बात करें, चौड़ा यानी विच की बात करें, तो जो फैलाव है वो जोग जलप्रपात गरसोप्पा कर्नाटक में है। वो मूवी आई है जो क्या नाम था उसका, हाँ बाहुबली, बाहुबली में वो जो जलप्रपात आपको दिखाया गया है वो वही है, जोग यानी गरसोप्पा कर्नाटक में। जबकि शिव समुद्रम जो कि केरल का जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इसमें पानी ज्यादा है, ये जब धार गिरती है तो काफी ज्यादा वॉल्यूम में पानी लेके आता है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात जब बात की जाती है तो शिव समुद्रम होगा, सबसे चौड़े की बात की जाती है तो आपका जोग गरसोप्पा होगा, और सबसे ऊंचे की बात की जाती है तो नोहक लिकाई होगा। नोहक लिकाई जो है ये आपका मेघालय में है, शिव समुद्रम आपका केरला में है, जबकि जोग की बात करें तो ये कर्नाटक में है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा सबसे बड़ा कौन सा है और क्या। जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में सरावती नदी पर बना है। तो अभी भूविज्ञान कांग्रेस के बारे में आयोजन किया जाएगा और उसके बारे में घोषणा की गई है कि भारत में मार्च 2020 के पहले सप्ताह में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। अगले वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की जो थीम है वो है भूविज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान, भूविज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान। तो जो भूविज्ञान कांग्रेस है जो 2020 के लिए आयोजित की जाने वाली है, ये आपकी आयोजित की जाएगी 2-8 मार्च 2020 दिल्ली इंडिया में, नई दिल्ली इंडिया में इसका कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, जो कि 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होगी। अगली जानकारी है 26वां क्रिस्टल अवार्ड। क्रिस्टल अवार्ड इस बार चार लोगों को दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाते हैं, किसी भी तरीके से लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो अभी इनकी फिल्म आने वाली है दीपिका पादुकोण की छपा, उसमें उन्होंने एक एसिड अटैक विक्टिम्स की कहानी को दर्शाया है, और उसमें किस तरीके से वो अपनी मनोवृत्ति से निकली है, किस तरह से वो निराशा के दौर से निकली, किस तरह से वो डिप्रेशन से बाहर आई, उस कहानी को दर्शाया है। और इसके लिए काफी सारे कैंपेन किए हैं दीपिका पादुकोण ने, जिसकी वजह से इन्हें इस साल का क्रिस्टल अवार्ड 2019 दिया जा रहा है। ये 26वां क्रिस्टल अवार्ड है, जो सम्मान मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया जा रहा है। यह अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और क्लॉस एम श्वाब वर्तमान समय में इसके हेड हैं। पाकिस्तानी प्लेयर आबिद अली ने एकदम बढ़िया सा एक रिकॉर्ड बना दिया है भाई। ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में भी और टेस्ट में भी अपने डेब्यू मैच यानी कि अपने प्रथम यानी पहले ही मैच में शतक बनाया। पाकिस्तानी खिलाड़ी आबिद अली ने अपने टेस्ट और एक दिवसीय डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए पहले टेस्ट मैच में ये कारनामा कर दिखाया है। तो पाकिस्तानी प्लेयर आबिद अली ऐसा कौन से प्लेयर है जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट मैच और वनडे दोनों में अपने पहले ही मैच में शतक बनाया, तो वो है पाकिस्तानी क्रिकेटर आबिद अली। अगली जानकारी है ममता बनर्जी जी अभी काफी खुश होंगी क्योंकि उनके दो जिलों को
प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल को, 100 डेज वर्क प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लिवलीहुड्स। ये प्रोग्राम था जो आपका 18 दिसंबर सॉरी जो ये प्रोग्राम था जो 1991 में पीवी नरसिंह राव ने शुरू किया था, 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने शुरू किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलता उनको किसी तरीके से रोजगार दिया जाए और कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाए। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल को इस बार ये प्रथम पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने इसको बहुत अच्छे से करके दिखाया। इस ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में पश्चिम बंगाल के बांकुरा और कूच बिहार जिले देश में सबसे आगे रहे हैं। तो बांकुरा और कूच बिहार जिले कहां हैं? पश्चिम बंगाल में। और इनको अभी हाल ही में क्या मिला है? इनको एक 100 डेज वर्क प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लिवलीहुड्स यानी जीवन जीने के लिए 100 दिन का वर्क प्रोग्राम योजना के तहत इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब बारी है आज हमारे वन लाइनर की, फटाफट से कर लेते हैं। हाल ही में कौन से प्रसिद्ध अभिनेता का पुणे में निधन हो गया? तो उनका नाम था श्रीराम लागू जो 92 वर्ष के थे। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2019 की लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि इसके पड़ोसी देश हमसे बेहतर स्थिति में है और पहले स्थान पर यहां पर फिर एक बार आइसलैंड रहा है। हाल ही में भारत नेपाल सेना के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन नेपाल के रूपदही जिले में किया गया? तो वो है सूर्य किरण। हाल ही में सरकार ने कौन से मिशन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी गांवों में इंटरनेट उपलब्ध कराना है? तो वो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत के उत्सव का आयोजन ग्वालियर में किया जा रहा है? तो तानसेन समारोह। पंडित विद्याधर जी को तानसेन पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019। हाल ही में दुनिया भर के प्रवासी कामगारों उनके परिवारों के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के अधिकार और सुरक्षा के लिए 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुरली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये आपके तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन हमारे देश में किया जाएगा? तो फिलहाल भारत में किया जाएगा, ये 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होगी जो कि नई दिल्ली में 8 मार्च में आयोजित की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय को 26वें क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वो है दीपिका पादुन। इनके अलावा 3 और लोगों को भी चुना गया है। हाल ही में अपने टेस्ट तथा एक दिवसीय डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले आबिद अली किस देश से हैं? वो पाकिस्तान से हैं। हाल ही में 100 डेज वर्क प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लिवलीहुड्स के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह पश्चिम बंगाल। अब बारी है आज हमारे क्विज की। हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता का पुणे में निधन हो गया जो 92 वर्ष के थे? तो श्रीराम लागू, और वो अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ष 2019 की लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें जबकि आइसलैंड शीर्ष पर है। हाल ही में भारत नेपाल सेना के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन नेपाल के रूपदही जिले में किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। हाल ही में सरकार ने कौन से मिशन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी गांवों में इंटरनेट उपलब्ध कराना है? तो वो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय संगीत उत्सव का आयोजन ग्वालियर में कर रही है? तो वो है तानसेन समारोह। हाल ही में दुनिया भर में प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्य के अधिकार के लिए सुरक्षा के लिए 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो आपका हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिवस इस तरह का कोई दिन ही नहीं होता। तो दंदा आपको ये दो और पता चले। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुरली जलप्रपात किस राज्य में है? सुरली जलप्रपात आपका तमिलनाडु के थेनी जिले में है और बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई देती है। तो अगर आपको मौका मिले तो अभी तमिलनाडु के थेनी जिले जा सकते हैं इस प्रपात को देखने के लिए। माना जाता है ये काफी शुद्ध पानी होता है और कई सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। तो अगली जानकारी, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किसका नहीं, मतलब 36 होना चाहिए, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होगा ये भारत के नई दिल्ली में मार्च में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को 26वें क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में अपने पहले ही टेस्ट और पहले ही एक दिवसीय डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले आबिद अली किस देश से हैं? पाकिस्तान से हैं। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अभी हाल ही में टेस्ट में शतक बनाया।
हाल ही में 100 डे वर्क प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लिवलीहुड के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दो जिले हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाने वाला है। तो फिलहाल ये थे आज हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही मुझे टाइम लगे मैं इस करंट अफेयर्स को और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। आपके जो भी सजेशन है कि सर एक एक्स्ट्रा स्टेट के बारे में बताइए, वो भी मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर थोड़ी सी समय की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये सारे के सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपने जो जो कहा है वो सारे के सारे बदलाव यहां पर होंगे। आपके सुझाव, आपका प्यार और आपका जो भी कमेंट है वो पूरी तरह से यहां पर आमंत्रित है। आप अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी करंट अफेयर्स के बोलना चाहते हैं, या कोई ऐसी जानकारी है आपके पास जो आप बताना चाहते हैं कि लोगों को शायद ये नहीं पता होगा या मैंने वो चीज नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, वहां से भी लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।